तो हेलो गाइस, आज एक और ग्लोसर हमारे पास जिसके अंदर हमने इंस्टॉल करने हैं कंपोनेंट्स रॉकफोर्ड फॉसगेट के पंच सीरीज के और अपना एलईडी फॉग लैम्प जो कि लगेगी हमारी H8 180 वॉट ऑटो क्रैंक की, और एक और ग्लोस्टर जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के अंदर अपने कंपोनेंट्स की क्लैरिटी थोड़ा सा कमी महसूस हुई है। तो फिलहाल पिछली जो ग्लोस्टर थी हमारी उसके अंदर तो हमने रियर डोर पे ही ओनली अपना ऑडिसन के कंपोनेंट लगाए थे प्राइम APK सीरीज के, और इसमें लगेंगे हमारे फ्रंट एंड रियर दोनों डोर्स में अपना रॉकफोर्ड फॉसगेट के फन सीरीज के कंपोनेंट। तो करते हैं हम अपना काम स्टार्ट। फ्रंट एंड रियर कंपोनेंट का डिफरेंस भी मैं आपको दिखा दूं, जो कंपनी से फैक्ट आए हैं लगे हुए स्पीकर्स आए हैं कंपनी फिकेट। तो ये कुछ साढ़े चार से पाँच इंची का स्पीकर्स है पीछे की तरफ, और फ्रंट में जो लगा हुआ है 5.5 इंची का कंपोनेंट लगा हुआ है। ये दोनों डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है स्पीकर्स में। इनमें ये फ्रंट हो गया हमारा और ये रियर हो गया। तो अब कर लेते हैं हमारे जो ग्लोसर के अंदर जो हम कंपोनेंट की फिटिंग करने वाले हैं रॉकफोर्ड फॉसगेट के पंच सीरीज की। तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है, इसकी वारंटी कार्ड्स वगैरह, और ये हमारा हो गया कंपोनेंट का स्पीकर। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग P165SE और 120 वाट पीक पावर है इसकी 4 ओम पे और 60 वाट RMS है ये कंपोनेंट। और रॉकफोर्ड का ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। और ये इसका ट्वीटर्स हो गया, तो ट्वीटर्स होंगे हम इसके OEM फिटमेंट जगह पे ही प्लेस करेंगे। और ये है इसका क्रॉसओवर, ये इसका क्रॉसओवर हो गया रॉकफोर्ड फॉसगेट का। अब क्रॉसओवर का वर्क क्या होता है, क्रॉसओवर का वर्क होता है कि पीछे से जो एक रेगुलर RMS आ रही होती है, जैसे कि मान के चलो कुछ भी वाटेज लगा लो 50 वाट RMS मान लो, अब 50 वाट RMS हमारे को ट्विटर्स में और स्पीकर्स में और ट्विटर्स में दोनों में डिवाइड करनी होती है। तो क्रॉसओवर उसके अंदर वो हमारी हेल्प करता है कि स्पीकर्स को डिवाइड कर देगा और ट्विटर्स के लिए कम आउटपुट डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा क्रॉसओवर हो गया, और करते हैं इसकी फिटिंग, और उसके फिटिंग होने के बाद मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ। फिलहाल कंपोनेंट की आउटपुट तो बहुत अच्छी है, बट एक फ्रंट राइट साइड का स्पीकर नहीं चल रहा था क्योंकि गाड़ी में चूहा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और अब चलते हैं अपनी फॉग लैंप की तरफ। फॉग लैंप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होता है इसके अंदर। जैसे कि इसको हैलोजन बल्ब को निकाला अब हमने, और अपना जो LED बल्ब का अपना कपलर है वो हमने प्लग इन करा इसके अंदर, और ये सारा प्लग इन प्ले सिस्टम होता है। इसके अंदर कोई वायरिंग कटिंग वगैरह का इशू नहीं होता है और कोई वारंटी का इशू नहीं होता है। अब बारी आ रही है हमारे LED इंसर्ट करने की फॉग लैंप के अंदर। तो जैसे ही हमने हैलोजन बल्ब निकाला था वैसे ही इसके अंदर सिर्फ टर्न करना है और इसको लॉक कर देना है। तो यहाँ लग गई हमारी फॉग लैंप के अंदर LED। इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, और इसी के साथ हमारा गाड़ी का LED का और सिस्टम का वर्क पूरा कम्प्लीटली फिनिश होता है। थैंक यू।